शनिवार को गोवर्धन तहसील पहुंचे राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर चिंता जताई। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की। श्री धाम बरसाना फाउंडेशन कार्यालय बरसाना में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने देश भर में घुसपैठ कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ और मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर बोलते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण जल्द होगा। देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीद है, वो राम मंदिर का निर्माण जरूर कराएंगे, ऐसी उन्हें आशा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर राम मंदिर नहीं बनाया गया तो उसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से एक बैठक की गई है, क्या उद्देश्य इस बैठक का रहा है और किस लिए बैठक की गई है? आज हमारे देश में बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की यह पुरजोर मांग है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल किया जाए। आज टैक्स हिंदू देता है, अल्पसंख्यक के नाम के करोड़ों रुपये इनके ऊपर परोसा जा रहा है। आज क्राइम बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, सब में ज़्यादा हाथ मुसलमानों का है। आज हमारे यहाँ मथुरा में भी बांग्लादेशी घुस गए, रोहिंग्या घुस गए, तो कहाँ का घुस रहे हैं ये? हर जगह घुस घुस करके ये अपनी जनसंख्या बढ़ा बढ़ा करके हिंदुस्तान को ही पूरे पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट लगभग 1-1.5 साल से इस अभियान को चलाया हुआ है। हमारा स्पष्ट मानना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर नहीं रोका गया तो हम अपने हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनता देखेंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गुलाम हो जाएंगी और आने वाले समय में हमें ना बिजली मिलेगी, ना अनाज मिलेगा, ना काम मिलेगा, ना धंधा मिलेगा। इसलिए केंद्र में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी अक्सर करके चुनावों में वादा करते थे कि पाकिस्तान पर ये कब्जा वो करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, और योगी सरकार अभियान चलाने की बात करती है लेकिन कोई अभियान नहीं चल रहा है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का इस बात को लेकर के पुरजोर विरोध है। हम लोगों ने 10 मई अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संसद मार्ग पर किया था, उसमें भी हमने प्रमुखता के साथ राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए थे कि जो ये जनसंख्या बढ़ रही है इसको रोका जाए। अगर चाइना अपनी जनसंख्या रोक सकता है, बढ़ती हुई जनसंख्या, हम क्यों नहीं रोक सकते? आज ज़रूरत है हिंदुस्तान में जनसंख्या निमित्त कानून बने, हम दो, हमारे दो, सभी के दो। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई व्यक्ति है वो 2 से ज़्यादा बच्चे ना पैदा कर पाए, ये कानून हमें आज नहीं तो कल नहीं परसों बनाना पड़ेगा, अन्यथा हम हिंदुस्तान में रह नहीं पाएंगे। हम सब लोग कीड़े मकोड़ों का जीवन व्यतीत करने मजबूर हो जाएंगे और ये पूरा हिंदुस्तान जिस तरीके से आज मेरे हिंदू परिवारों में हमारे बच्चे 1-2 पे आ गए, मुसलमान 2-3 शादियाँ, 8-10-12-12-15-15 बच्चे पैदा करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा, अपनी आबादी बढ़ा रहा है। मथुरा जनपद के कस्बा राधाकुंड में सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है, ना सरकार की कोई विधायक की ना किसी मंत्री का इसके ऊपर ध्यान है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी को भी, विधायक जी को भी, यहाँ के प्रशासन को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लें आप। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर है जिसको लेकर के हमारे अमित शाह भी, मोदी जी भी सब कह रहे हैं लागू हो, हमारी भी ये मांग है कि यहाँ लागू हो। जितने भी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, जो भी हैं, इन सब को निकाला जाए, अन्यथा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट यहाँ के संतों को साथ लेकर के, हिंदू समाज को साथ लेकर के इसके खिलाफ स्वयं अभियान चलाएगी और इनको कतई भी, क्योंकि हमारी ये जो ब्रिज है ये हमारी धार्मिक नगरी है, अभी ब्रिज को इन्होंने तीर्थ नगरी घोषित कर दिया है, तो इसलिए इनका यहाँ कोई काम नहीं है, ये रहने नहीं चाहिए, जल्द जल्द निकले, ये हमारा आह्वान है। तीर्थस्थली की अगर बात की जाए तो योगी सरकार आने के बाद बरसाना, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन को तीर्थस्थली घोषित किया गया और यहाँ कहा गया कि दारू, अंडा, मांस इसकी बिक्री नहीं होगी, लेकिन आज भी बिक्री की जा रही है खुलेआम। मैंने भी एक चिट्ठी माननीय योगी जी को लिखी थी कि अगर आपने इसको तीर्थ नगरी घोषित कर दिया गया है तो यहाँ दारू की, मीट की बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए, इसके लिए भी सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग यहाँ का संत समाज, ब्राह्मण समाज, साधु समाज इकट्ठा करके इसके खिलाफ भी हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। क्या आप मानते हैं कि गोवर्धन, बरसाना, मथुरा, वृंदावन इस जगह पे आज भी मांस बिक रहा है? मैंने आज ये जब देखा है
कि हमारा यह ठेका यहाँ खुला नाले पे खुला था, वो थोड़ा आगे जाके दूसरा खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये कहना था ठेका यहाँ होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हमारे वृंदावन में